समर एक्सपेरिमेंट। हेलो फ्रेंड्स, मैं समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों, से पिछली वीडियो में बताया था आपको कि इस चैनल पर आपसे कोई एक्सपेरिमेंट की वीडियो नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपके कुछ लोगों ने कमेंट किया था, आपने कुछ कमेंट की थी कि सर कोई नया चैनल बना दीजिए एक्सपेरिमेंट का। तो फ्रेंड्स, आपकी रिक्वेस्ट पर आपके मैंने कमेंट पर एक नया चैनल बनाया, इसका नाम है सैम एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड्स, आपसे जैसे जैसे मैं इस पर नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ नई नई टेक्नोलॉजी की, तो ऐसे फ्रेंड्स आपको नए नए उस पर एक्सपेरिमेंट मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने इस चैनल को सपोर्ट किया, ऐसे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए फ्रेंड, अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये MDF बोर्ड है, इसमें का HDF बोर्ड भी आता है, उसे ले सकते हो, काफ़ी हैवी होता है। जिसकी कुछ डायमेंशन है, आप इसे राइट कर सकते हो अपने हिसाब से या रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने यूज़ किया है फेविकोल इसे चिपकाने के लिए। आप ग्लूगन या फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हो, जैसा आपको अवेलेबल हो। इस तरह से मैंने बॉक्स बना दिया है। और फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी छोटा रखने की कोशिश की है इसे, और मैं अगली वीडियो लगाऊंगा तो इससे भी आधा रखूंगा वो, जिससे कि आप इसे पॉकेट में रख सकें। वैसे ये भी आप इसे पॉकेट में रख सकते हैं, छोटा है काफ़ी। तो ये मैंने कॉर्नर किया है इससे कि इसकी फिटिंग सही आए। और अब मैं इसका मिड पॉइंट निकालूंगा, जो आप देख रहे हो मैं लगा रहा हूँ, इसका मैं बीचों बीच का एक मिड पॉइंट निकालूंगा। उसके लिए फ्रेंड मुझे एक स्केल चाहिएगा। तो इस तरीके से मैं दोनों कॉर्नर से लेके एक इसका मिड पॉइंट निकाल लूँगा, और लगभग आधे इंच का, हाफ इंच का मैं होल कर दूंगा। अब एक चीज़ लूँगा, चीज़ इसके कॉर्नर फिनिश कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। तो इस तरीके से अब फ्रेंड्स, यह है एक नाइक्रोम वायर जो कि 1500 वाट का है। आपको 1000 वाट का मिल जाएगा मार्केट में, और 2000 वाट का भी मिल जाएगा। मैंने आपको पहले भी दिखाया था ये, और आपके काफ़ी कमेंट आए थे कि सर हमें नाइक्रोम वायर नहीं मिलता। दोस्तों, मैंने इसको पर एक वीडियो बना दी पूरी, 6-7 चीज़ों में से नाइक्रोम वायर आप निकाल सकते हो। और इस तरह से हम प्लायर से इसे सीधा कर देंगे, पहले कोई सा प्लायर आप ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने प्लायर सीधा कर दिया, और इसे एक तरह का स्प्रिंग टाइप बना दिया। अगर आप पर ये नहीं बने तो आप सिंपल सीधी लाइन से बना सकते हो, वैसे ये बनेगा तो अच्छा रहेगा। तो हमें एक MD बोर्ड का छोटा सा टुकड़ा चाहिएगा, और एक फाइबर स्लिप की थोड़ा सा पीस चाहिएगा, टुकड़ा। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा काट लिया इसे, और इसे MD बोर्ड पर लगा देंगे। क्योंकि जब हम इस पर जो एलिमेंट, जो हमने नाइक्रोम वायर लगाया था, जब हम इस पर लगाएंगे तो ये हीट होता होगा लेकिन गर्म नहीं होगा, यानी कि जलेगा नहीं, सॉरी। तो इस तरीके से मैंने फेविकोल लगा से अच्छे तरह से चिपका दिया है, और इस पर मैं एक छोटा सा होल करूँगा, जिससे कि मैं इस पर नाइक्रोम वायर जो मैंने टुकड़ा आपको दिखाया था वो फिट कर सकूँ। तो इस तरह से नाइक्रोम वायर का जो हमने स्प्रिंग टाइप बनाया था इसे ले लिया था, तो इस तरीके से मैं इसे फिट कर दूँगा। एक होल मैं और करूँगा, होल लगाने के बाद भी उसे इस तरीके से दोनों को फिट कर दूँगा। अभी हिलेगा नहीं, तो ये लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, ब्लैक इसलिए हो चुका है क्योंकि मैंने इसे टेस्ट किया है, क्योंकि मैं टेस्ट कर ही आपको दिखाता हूँ, मैं बिना बात के आपको वैसे ही नहीं दिखाता, जिससे वर्केबल हो चीज़ होनी चाहिए दोस्तों, कि जो काम करे। तो इस तरह से हमने बीच इसे फिट कर दिया, और इसे फेविक से यहाँ चिपका दिया है। अभी आसानी से जलेगा नहीं, क्योंकि हमने इसे पीछे फाइबर स्लीव लगा दी है, क्योंकि काफ़ी हीट जनरेट करता है ये। इस तरीके से लगा दिया है, तो बिल्कुल बीचों बीच है। यहाँ मैंने लैपटॉप की बैटरी यूज़ की है 2850 की। अब आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये ऊपर का जो है प्लस का है, आपको देख रहे हो छोटे छोटे छेद में होते हैं हल्के, वो प्लस का है, और जो बिल्कुल फ्लैन सरफेस होती है यह इसका माइनस का। तो हम दोनों फ्रेंड्स इस पे जो वायर लगा लेंगे, माइनस माइनस पे और प्लस प्लस पे। दोस्तों, ये मैंने 120 रुपये की बैटरी लाया था किसी पुराने लैपटॉप वाले से, और उसमें 4 बैटरी में से 3 बैटरी बिल्कुल ठीक निकली, एक बैटरी ख़राब निकली। तो एक आध बैटरी ख़राब होती है, 120 से 100 रुपये की आपको मिल जाएगी। तो हमने अब पैरेलल में जोड़े हैं, प्लस प्लस एक जगह कर ली है बैटरी, और माइनस माइनस एक जगह कर ली है। अभी दोनों में हम वायरिंग लगा ली है। 100 रुपये की, 80 रुपये की, 120 रुपये की आपको मिल जाएगी लैपटॉप की बैटरी। पुराने जहाँ लैपटॉप पुराने मिलते हैं वहाँ जाकर मांग लीजिएगा, आराम से वो दे देगा, उसके पास होती हैं। मैं भी 2 लेकर आया था, तो 4 बैटरी उसमें मुझे निकली, एक बैटरी में तो 4 में से 3 बैटरी ठीक निकली, एक ख़राब निकली। ये 5 वोल्ट का चार्जिंग मॉड्यूल है, और इसे मैं यहाँ से चार्जिंग के लिए यूज़ करूँगा। अब इसे फिट करने के लिए आप जैसे सूटेबल हो आप उस जगह से फिट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने लगाया है, तो उसके लिए मैं इस पर भी एक टेप लगा दूँगा, जो कि डबल साइड टेप होती है, जिससे कि ये मैं इसे रोक सकूँ। फ्रेंड्स, मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक दूसरा चैनल बनाया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ नया करूं। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो आप सैम एक्सपेरिमेंट पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको नए नए डेंजर एक्सपर्ट्स पर मिलते रहेंगे जल्दी। क्योंकि मैंने इस पर डाले थे तो आपको ऑब्जेक्शन उठाया था कि कुछ लोगों ने, यार समर इस पर मत करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ 2 वायरिंग कर ली है, प्लस अलग के लिए और माइनस अलग कर लिया है, जिससे कि हम इस पर जो 5 मोड चार्जिंग मॉड्यूल है उस पर लगा सकें। कोई हार्ड कनेक्शन नहीं है, आप उसी बैटरी को माइनस इस चार्जिंग मॉड्यूल के माइनस में लगाने हैं, और प्लस का इसके मॉड्यूल के प्लस में लगाने हैं, बस कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। और यहाँ मैंने पैरेलल में जोड़े हैं दोनों को, जिससे फ्रेंड्स इसके एम्पियर इंक्रीज़ हो जाएं। 4 वोल्ट की एक बैटरी होती है, तो उससे इसकी एम्पियर इंक्रीज़ होगा, लेकिन वोल्टेज वही रहेंगे। तो ये USB पोर्ट है,
ये आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप माइनस प्लस का देख लीजिए, ये माइनस अरे प्लस मैंने मार्किंग भी की है। इस तरीके से हमसे कनेक्शन करके डायरेक्ट बैटरी में लगा रहे हैं हम, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम माइनस को माइनस और प्लस का प्लस में लगा रहे हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ी कनेक्शन नहीं, आप इजीली कर लोगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहता हूँ डेली, और दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ जो डबल सेट उसे हटा दिया है, और इस तरह से मैं यहाँ लगा दूंगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे ईजी बना सकते हो। और ये मैंने होल पास बनाया जो राउंड में बनाया था, जो होल करा है, जिससे कि इसमें हवा का फ्लो बना रहे, क्योंकि फ्रेंड्स जब ये हीट जब ये गर्म होगा यानी जब ये चार्ज होगा तो ये हीट भी होगा, तो हीट के साथ साथ हवा की भी जरूरत होगी। और इस तरीके से जो 5 वोल्ट का यूएसबी पोर्ट है उसको लगाने के लिए मैंने एक टुकड़ा ले लिया है MDF बोर्ड का, जिसकी वजह से ऊपर लगा सको, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। अब फ्रेंड्स ये दो वायर बचे हैं, ये सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, दो वायर को आपको सीधा नाइक्रोम वायर में लगा देना है। और इस तरह से मैं कनेक्शन कर दिया है सीधा 5 वोल्ट चार्जिंग मॉड्यूल में। अब मैंने एक स्विच लिया है, इसे पुश स्विच कहते हैं, क्योंकि सिर्फ दबाने काम इसका होता है, और पुश स्विच कहते हैं, 5 या 10 रुपये का मिलता है मार्केट में। और ये जो आपने होल किया है इसे इस तरीके से लगा दोगे फ्रेंड्स, इसे फेवक से लगाओगे तो ये ख़राब हो सकता है, तो इसे मैंने दो पाइप PVC का टुकड़ा लेकर उसे चिपकाया इस तरीके से। तो अब इसे एक बार पुश करके देख लीजिए वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। और इसका एक नोब है, इसे ऊपर हम लगा देंगे जिससे कि ये अच्छा वर्क करेगा। तो देखिए इस तरीके से वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। जो दूसरा चैनल है मेरा सेम एक्सपेरिमेंट, उस पर आपको नए नए एक्सपेरिमेंट मिलेंगे जो अभी आप तक आपने यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ मैं कुछ नया करूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल को जाकर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस तरह से हमने दो वायर को यहाँ पे इसकी PVC उतार ली है, कवर हटा दिया है। तो ये दो वायर बचे हैं स्विच से जाकर है वायर, जो स्विच से जाकर ये वायर मैंने लगाए हैं। और इस तरह जो नाइक्रोम वायर है उस पर मैंने इस तरीके से कनेक्शन कर दिया है, तो आप इजीली कर सकते हो फ्रेंड्स। मैंने आप पिछली वीडियो बताया था एक बार आपको कि नाइक्रोम वायर पे ऑक्सीडाइज हो जाता है जिससे कि वर्क नहीं करता, तो आपको बिल्कुल प्लास्टिक कस दे रहे हैं जो वायर आपने लगाए हैं, और इस तरह से सोल्डिंग भी इस पर कर देनी है। वैसे नाइक्रोम वायर पर सोल्डिंग नहीं होती ये बात पक्का है, लेकिन फिर भी आप सोल्डिंग कर दोगे तो इसका अंदर का भी एरिया कवर हो जाएगा और आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस तरह से लगा दिया है, और बाकी एरिया को हम इसे फेविकोल से चिपका देंगे दोबारा इस तरीके से। जब मैं कोई कंपोनेंट यूज़ करता हूँ अपने वीडियो में तो जरूर नहीं कि आप वही कंपोनेंट यूज़ करें, उसके बहुत सारे विकल्प होता है आप यूज़ कर सकते हैं। जब मैंने लैपटॉप की बैटरी यूज़ करी, आप यहाँ मोबाइल की बैटरी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर बात है कि आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो उसका सेकंड ऑब्जेक्ट लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब थोड़ा टेस्ट पा जाते हैं। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका आपको डिज़ाइन कैसा लगा, आपकी फिनिशिंग कैसे लगी, और आपको ये कितना वर्क करेगा। तो ये USB है, आप इससे कई सारे काम कर सकते हो, तो जरूर नहीं आप इससे मोबाइल पे चार्ज करो, आप इससे 4 या 5 वोल्ट का DC मोटर पे चला सकते हो, LED पे चला सकते हो। और ये होल पास है, ये मैंने चार्जिंग के लिए यहाँ पे सॉकेट दिया है, जो दो होल दिख रहे फ्रेंड्स ये इंडिकेट करेंगे रेड लाइट से जब ये चार्ज होगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जब आप इसे चार्ज पे सॉकेट कनेक्ट करोगे इससे तो इस तरीके से रेड हो जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा लाइट बंद करके दिखाता हूँ, हो सके आपको नहीं सो रहा हो, तो देखिए इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगता है। मैं और लगा सकता था लेकिन फ्रेंड्स शॉर्टकट के लिए मैंने इस तरीके से कर दिया है यहाँ पर होल दो। तो जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। और फ्रेंड्स यकीन मानिए ये कम से कम आपका 1 हफ्ता चलेगा, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। बैटरी मेरी बहुत पावरफुल निकली, मैंने बताया ना 3 बैटरी मेरी अच्छी निकली, तो मैंने काफ़ी यूज़ किया, अच्छा वर्क कर रही है। तो बता दो दोस्तों मैं सिगरेट नहीं पीता, ना ही मैंने जिंदगी में भी सिगरेट पी है, बस मेरे फ्रेंड के पास एक इलेक्ट्रिक लाइटर है तो उसको देख कर मैंने इसे बनाया है बस, और मेरा कोई मकसद नहीं था। और आपको भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इससे कैंसर हो सकता है, तो आप मत पीजिए तो अच्छा रहता है वैसे भी। और इस तरह से फ्रेंड्स मेरे पास जलन नहीं आती क्योंकि इसे करने के लिए थोड़ा सुट्टा मारना पड़ता, जो कि मैं नहीं मारता, मैं नहीं पीता सिगरेट क्योंकि मेरे पास फ्रेंड टाइम भी नहीं है इतना, मैं काफ़ी काम करता हूँ। और दोस्तों यकीन मानिए एक बार चार्ज करने के बाद कम से कम 1 हफ्ता आपका निकाल देगा, और काफ़ी अच्छी बैटरी है दोनों और अच्छा वर्क करेंगी, क्योंकि ये सीरीज में लगाई है मैंने तो इसकी पावर बढ़ गई है, तो 4 वोल्ट पर ही काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। तो चलिए मैं कुछ और आपको दिखा देता हूँ पेपर से चलाकर। फ्रेंड्स 4-in-1 नहीं, कई आप इससे काम कर सकते हो, आप इसे सफ़र में ले सकते हो, ट्रेवल में आप इसे यूज़ कर सकते हो, जहाँ हवा चलती है वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो, इसे सिगरेट जला सकते हो, कागज़ चला सकते हो, लकड़ी जब वुड जला सकते हो, मोबाइल चार्ज कर सकते हो इससे फ्रेंड्स, मोटर चला सकते हो, LED चला सकते हो। तो ये बहुत अच्छा पावर बैंक की तरह आपका यूज़ भी रहेगा, और आसानी से आप इसे कैरी कर सकते हो कहीं भी, जेब में ले जाकर कहीं भी आप इसे सूट कर ले सकते हो, और ये सेफ भी है, तो आप इससे बहुत सारे वर्क ले सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी को प्रभावित है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपको फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे मेरे दूसरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको उस पर काफ़ी इन्जॉय होगा, क्योंकि उस पर नए नए एक्सपेरिमेंट लेकर आता रहूँगा जल्दी।
तो इस तरह से फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हुई, और जैसे भी आपको फील होया हो, जैसे भी आपको लगा हो, प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और जो भी आपको क्वेश्चन हो, जो भी आपका सवाल हो, आप मुझसे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए समर एक्सपेरिमेंट से। थैंक यू सो मच मुझे इतना वक्त देने के लिए। बाय बाय।